पहले तो आई थिंक आदित्य जी को आज थोड़ा सा फीवर हो गया है, जो सच बात है, थोड़ा सा नहीं, काफी हाई फीवर हो गया है, बट ही स्टिल कम, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम। करेक्ट। एंड 7 दिन बाकी है फिल्म के रिलीज के लिए। या एग्जैक्टली, हमारे सबके जिंदगी में सबसे बड़ी फिल्म है ये। बहुत ही एक्साइटेड है। दैट्स ट्रू। बहुत एक्साइटेड है, नर्वस है, एवरीथिंग, एंक्शियस है। हमने फिल्म अभी तक देखी नहीं है, देखी नहीं इसीलिए, बट आई थिंक इन जनरल मतलब इतनी बड़ी फिल्म है और इतना बड़ा कास्ट है, एक्सपेक्टेशंस बहुत है, बहुत है। अब तक जो भी कुछ आया है लोगों ने बहुत प्यार दिया, एंड होपफुली ऑन द 17th व्हेन दे सी द फिल्म आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। ओके ब्रो, इसी के साथ में मेरा सवाल है कि जिस तरीके से आपके किरदार को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, लोग आपके किरदार को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, सो एज एन एक्टर रिस्पांसिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है? आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती है। जफर बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा है मेरे ज़िंदगी के लिए, बहुत ही अहम कैरेक्टर है ये। ये बोलते हैं जफ़र की बोली है बंदूक की गोली, तो जफ़र का ख्वाब है कि 17 को पिक्चर आपको पसंद आए, एंड आई होप आई हैव डन जस्टिस टू जो अभिषेक का विजन है, जो डायरेक्टर का विजन है, करण का, करण एंड साजिद सर एंड फॉक्स के जो होप्स है फिल्म पे, आई होप वी कैन ऑल, आई थिंक यू डेफिनेटली डन इट। वरुण ने बहुत हार्ड वर्क किया इस रोल के लिए, ही इज़ डन सम रियली ग्रूइलिंग थिंग्स फॉर दिस फिल्म। For example, Kargil, he shot in -2 degrees, shirtless scene. He's done saying his dialogues. एक bullfight किया है जिसके लिए उसने बहुत मेहनत करनी पड़ी उसको. तो I'm sure it'll all pay off. My question is to all four of you. How's the response been from the industry? From peers, किस तरह का response मिला है? For your interview, it's all been so positive. Actually, बहुत ही positive reaction feedback मिला है, ना सिर्फ industry के लोगों से, but you know, इतने सारे जो fans हैं, सारे लोग जो मूवीज़ के शौकीन हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसी फिल्म हमने बहुत समय से नहीं देखी है, एंड जो ग्रैंडियर एंड जो मतलब मैग्निफिसेंस है जो ट्रेलर में दिख रहा है, आई थिंक वो बहुत टाइम से नहीं देखा है। सो इट्स ऑल बीन रियली रियली पॉजिटिव। बहुत लोगों के, इंडस्ट्री के लोगों के मैसेजेस भी आए हैं, कॉल्स भी आए हैं, एंड एवरीवन इज रियली एक्साइटेड, तो हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है उसी वजह से। बट आई थिंक कलंक एक ऐसी फिल्म है वेयर मोर देन द इंडस्ट्री, हम सब चाहते हैं कि ऑडियंस को पसंद आए पहले। इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है हम सबके लिए, बट दैट इज़ समथिंग विच यू नो, एक जब इतनी बड़ी फिल्म आती है तो ये हम लोग ने ऑडियंस के लिए बनाई है, पूरे देश के लिए बनाई है, बाहर के जो लोग देखेंगे उनके लिए बनाई है। सो वी हैव, आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट पार्ट्स दैट दे लाइक द फिल्म। तरह के द विजन द डायरेक्टर हैड, द वे ही वॉन्टेड टू माउंट द फिल्म, इट रिक्वायर्ड अ सर्टेन एक्सटेंडेड बजट विच प्रॉब्ली वी यू नो डिड नॉट हैव अर्लियर। बट आई ऑल्सो फील लाइक दैट्स वाई इट्स अ वेरी बिग कास्ट, इट्स यू नो देर आर लॉट ऑफ अदर एक्टर्स, यू नो ऑल द एक्टर्स कमिंग टुगेदर, एंड इट्स नॉट जस्ट द फोर ऑफ अस, इवन अपार्ट फ्रॉम माधुरी मैम एंड संजय दत्त, यू नो वी ऑल्सो हैव कुणाल खेमू इन द फिल्म, वी ऑल्सो हैव कियारा इन द फिल्म, ऑल द एक्टर्स आर कमिंग टुगेदर टू क्रिएट दिस वर्ल्ड, बिकॉज आई थिंक एवरीबडी वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाई द डायरेक्टर्स विजन। तो हम उसी के साथ चल रहे, एंड यू नो समटाइम्स वेन यू हैव टू काइंड ऑफ माउंट दैट स्केल, you do require that sort of budget. My question is to Aditya, Sonakshi, Nalia. Varun ko marketing genius kaha jata hai, to humne kaha tha jab, to wo bole the ki unko badnaam kiya ja raha hai, but why is it so that Varun is called the marketing genius of films? I think because he's very passionate about it. And there's no badnami. That's what he said. No, in fact, it comes very naturally to him. He enjoys marketing, and I think he's got a very positive energy. And he tries to, it's a very positive way he markets all his films. And he's just excited for the audience to go and see them, and that translates. And that's why they react to him also when he markets. I think he's gifted. आई थिंक इज गिफ्टेड वेन इट कम्स टू मार्केटिंग, एंड बहुत कम लोगों को वो फोरसाइट होता है कि एक फिल्म को कैसे पेश किया जाए, जिस तरह से वो एक मज़ेदार तरीके से सबका इंटरेस्ट को यू नो बांध के रखता है। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी नाइस वरुण, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। You also have been like, you also have done many good movies and with big stars, but this time you are doing a multi-star film, and also we have Madhuri Dixit and Sanjay Dutt.
So how it is different from other films and how it is more challenging? You know, एक खासियत ये फिल्म के बारे में ये है कि इस फिल्म के जो निर्देशक है अभिषेक वर्मन, इट्स अ सेकेंड फिल्म, इज अ वेरी यंग डायरेक्टर जिन्होंने इतनी बड़ी फिल्म बनाने की कोशिश की है. जो प्राइमरी स्टार कास्ट है इस फिल्म की, विच इज़ वी फो आपके सामने है, ऑब्वियसली दस माधुरी मैम एंड संजय सर हुआ लाइक द पिलर्स ऑफ दिस फिल्म, बट वी फो आर प्रीटी मच यंग एक्टर्स. एंड आई थिंक अभी तक हम में से कोई भी सुपरस्टार नहीं बने. ऑब्वियसली आई थिंक सोनाक्षी हैड वेरी वेरी बिग हिट्स ऑब्वियसली, बट नो obviously you have, you've been part of very big films, but I'm just saying that all of us collectively together, this is all our career's biggest film in terms of budget, in terms of scale. So ek tarike se as young actors, this is pressure on all our shoulders that we have to deliver now, and we have to showcase that we can be part of magnum opuses. Hum log bhi wo deliver kar sakte hai, audience accept kar sakte hai, and with a young director. Aisa nahi ki director ne bhi 5-6 film bana liye, it's his second film, you have to understand. एंड हीरो फिल्म का हमेशा डायरेक्टर ही रहता है, उसका विजन है. सो दिस इज, और अभिषेक ज़्यादा बोलते नहीं है, बट होपफुली आफ्टर कलंक यू ऑल विल नो द नेम अभिषेक वर्मा. सर अभी जो बात आपने कही ना, आप बस जले पे नमक छिड़क रहे हो. डांस मैंने नहीं किया है इस फिल्म में अनफॉर्चुनेटली, जितना भी मैं चाहती थी. सत्या का कैरेक्टर ही ऐसा है कि जो सिचुएशन में वो है वो सॉन्ग एंड डांस का हिस्सा नहीं बन पाए. बट आलिया ने डांस किया है माधुरी जी के सामने, एंड आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ सरियल एक्सपीरियंस फॉर हर, बिकॉज हर एक्ट्रेस कभी ना कभी उन्होंने माधुरी मैम को यू नो आइडलाइज, सो मच आइडलाइज किया है. करेक्ट, हमें इतनी रिस्पेक्ट है उनके लिए. एंड मैं बस इस बात से खुश हूँ कि आई एम यू नो आई हैव डन अ फिल्म विथ हर इन माय लाइफ टाइम, एंड टू बी अ पार्ट ऑफ द सेम फिल्म एज हर इज अ कंप्लीट ऑनर. वेल आई थिंक एज सोना सेड, एवरी एक्टर, एवरी यंग गर्ल हैज आइडलाइज माधुरी मैम इन सम वे और द अदर, विद हर ग्रेस, हर डांस, इवन हर स्माइल. एंड इट वॉज वेरी वेरी इनकरेजिंग फॉर मी टू हैव हर प्रेजेंट देयर, actually smiling at me, and actually supporting me, you know, whenever I was feeling a little nervous. It's something definitely I'll remember for the longest time, and a process that I've learned a lot from in my life. Well, पहले तो एक relief महसूस हुआ कि वो मेरे साथ नहीं dance कर रही है. फिर थोड़ी सी डर भी गई, क्योंकि डांस नहीं करे पर वहाँ पे उनको खड़े रह के मुझे देखना था. तो देन आई गॉट कन्फ्यूज के व्हाट्स वर्स, आई डोंट अंडरस्टैंड. बट रिएक्शन तो ऑब्वियसली आई वॉज ग्रेटफुल, टू बी ऑनेस्ट. ये अपॉर्चुनिटी आई हैव टू कुड ओनली थैंक अभिषेक, दैट थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू ए वर्क हार्ड ऑन माई सेल्फ एंड ऑल्सो शेयर दिस iconic moment with Madhuri ma'am, you know, in a song like this. Okay, Aliya, so sir, जिस तरीके से हमने आपको काफी अलग-अलग तरीके के किरदार में देखा है, चाहे वो राजीव हो, स्टंट होता है, वो एंड नाउ कलंक, ऐसा कौन सा किरदार है जो आपको अभी तक प्ले करने का मौका ना मिला हो और जो आप प्ले करना चाहते हैं? I'm sure ऐसे बहुत सारे ऐसे किरदार हो, पर मैं तो लेखक नहीं हूँ, तो I don't know, they'll have to come to me. But I'm sure there are so many, you know, amazing right now, like the world is our oyster, like anything, there's such different kind of films being made. So yeah, there's so many more opportunities. The soundtrack is a complete album after a long time, and it's original album. Yeah, it's an original soundtrack, it's an OST, and it doesn't seem to be relying on promotional tracks. So something about the music of the film and your individual favorite songs. I think the music is amazing. Yeah, keeping, it's very unique. Keeping in terms like where we are set in the 1940s. बहुत रियल स्कोर रिकॉर्ड किया है प्रीतम सर ने. अरिजीत संग टू अमेजिंग सॉन्ग्स जो टाइटल ट्रैक है, एंड फर्स्ट क्लास. आई थिंक इवन श्रेया घोषाल द वे शी संग घर मोरे परदेसी एंड तबाह हो गए इज अनबिलीवेबल. ऑल्सो आई हैव टू गिव क्रेडिट टू ऑल द सिंगर्स, द प्रोग्रामर्स, प्रीतम दा, अमिताभ भट्टाचार्य. आई थिंक बहुत वक्त के बाद एक ओरिजिनल एल्बम आए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्री के लिए, कि ऑब्वियसली एक ट्रेंड है रीमिक्सेस का जो चलते हैं, और चलना चाहिए उसको भी, बट एट द सेम टाइम ओरिजिनल म्यूज़िक को भी रहना चाहिए. और अब हमारी एल्बम चल रही है, अगर आप देखो इन ऑल द चार्ट्स 1, 2, 3 ऑल द सॉन्ग्स हैव पिक्ड अप, विच इज़ अमेजिंग, यू नो. एंड इट्स अ म्यूजिकल फिल्म आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. हमारी फिल्में इसके लिए जाने जाते हैं कि हम लोग म्यूज़िक और डांस के साथ बहुत अच्छा करते हैं, और कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा बहुत नए चीज़ें भी कर रहे हैं, बट जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारा गढ़ है, वो म्यूज़िक और डांस हमेशा से रहा है, बिकॉज वी डू दिस बेटर देन द वेस्ट.
So that's what's going to come your way. You're going to see a complete Hindi film for everyone. So actually, it's not difficult. है दबंग की शूटिंग कर रहे हैं जो लुक काफी पॉपुलर हो रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप. दोनों चीजें प्रमोशन करना कलंका और बार बार यहाँ, तो दोनों चीजें कैसे बैलेंस कर रही है? आई थिंक मैं ये स्टाइल ऑफ वर्किंग पे वापस जा रही हूँ. मैं कुछ साल पहले यही करती थी, एक फिल्म की शूट होती थी, दूसरी की प्रमोशन होती थी. बहुत टाइम के बाद मैं ये वापस कर रही हूँ, तो इट्स अ गुड फीलिंग. बिजी रहना चाहिए एंड दोनों फिल्में बहुत स्पेशल है मेरे लिए. दबंग से मेरी शुरुआत हुई थी, कलंक इज़ माई लेटेस्ट फिल्म आफ्टर 9 years. तो दे आर बोथ वेरी वेरी स्पेशल. तो जब आप किसी चीज़ को इतना यू लव व्हाट यू आर डूइंग तो वो काम नहीं लगता, इट्स पैशन. बहुत अच्छा, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी कलंक के बारे में. काफी अलग तरीके के किरदार में आप नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से हमने आपको पहले किरदार में देखा एंड अब जो आप प्ले कर रहे हैं, तो ये कितना अलग और कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? ये काफी चैलेंजिंग था क्योंकि यू आर राइट, आई हैव नेवर प्लेड अ कैरेक्टर लाइक दिस बिफोर. पहली बात तो ये कि एक पीरियड फिल्म है, दैट्स अ फिल्म आई हैव नेवर डन अ पीरियड फिल्म बिफोर. तो उस चीज़ को समझना काफ़ी मुश्किल था. आई ट्राई टू डू एज मच रिसर्च एज आई कुड. काफ़ी फिल्में देखी पुरानी, किताबें पढ़े. माई कैरेक्टर्स, हमारी फिल्म जो है 1940s में सेट है और उस टाइम की पॉलिटिक्स से भी थोड़ा सा कंसर्न है, और मेरा कैरेक्टर उस टाइम की पॉलिटिक्स को लेके काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड था. तो उसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया था मैंने, बिकॉज आई हैड टू फील समवॉट कॉन्फिडेंट अबाउट प्लेइंग दिस कैरेक्टर. आई हैड टू डू ऑल ऑफ दैट. And still I never felt prepared. And I think as an actor, वो एक अच्छा feeling है जब आप unsure हो आपके काम को लेके, when you're not sure whether what you're doing is working or not. And that's the feeling I had throughout this film. We take the last two questions. This film is talking about love, eternal love. कितना believe करते इस चीज़ में, और इन दिनों इसकी परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? I think ये बहुत relatable है. एक तरफा प्यार जो होता है, जहाँ आप किसी से प्यार करते हो और वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, यू कांट बी विद दैट पर्सन, यू नो वी नो दैट. बट कभी कभी प्यार दोनों तरफ से होता है एंड बोथ पीपल लव ईच अदर एंड दे स्टिल कांट बी विद ईच अदर. सो वो ये सब जो चीज़ें होती है आई थिंक मेक वेरी इंटरेस्टिंग. ये सिचुएशन आज के टाइम में होता है, इटर्नल लव डज. पहले जब ये प्रश्न मेरे को पूछा था तो इवन आई वॉज थिंकिंग, बट देर आर सो मेनी स्टोरीज वी रीड, यू नो, होल डे वी कीप रीडिंग इन द पेपर, यू हियर ऑफ लोग प्यार के लिए क्या क्या नहीं करते यार आजकल, और हमेशा करते रहेंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन. एंड आई थिंक लव इज लव. हमारा ये जो इटर्नल मींस व्हाट, फॉरएवर, लाइक अंटिल दैट यू द डे दैट यू आर अलाइव, फॉरएवर एंड एवर, इवन आफ्टर यू आर प्रोबब्ली डेड एंड गॉन. बट जब आप प्यार करते हो तो आप प्यार करते हो, देन देयर इज नो थिंग ऑफ मैं कम 10% कम 20% ज्यादा. इन योर हार्ट और इन योर लाइफ व्हेन यू फील ट्रू लव, इट ऑलवेज फील्स लाइक इटर्नल लव. और हर कैरेक्टर, दिस वर्ड इटर्नल लव, आई थिंक ये हर कैरेक्टर के साथ लिंक्ड है कहीं ना कहीं. ये हर कैरेक्टर के साथ इट मेक्स सेंस. हर कैरेक्टर का प्यार अलग है फिल्म में, और हर कैरेक्टर एक अलग स्ट्रगल का एक अलग स्ट्रगल है फिल्म में. एंड बट इट ऑल कल्मिनेट्स इनटू इटर्नल लव एट द एंड ऑफ द डे. लास्ट क्वेश्चन, आप और के फर्स्ट क्लास मोमेंट्स जानना चाहेंगे ड्यूरिंग द शूट. फर्स्ट क्लास मोमेंट, वरुण और मेरा फर्स्ट क्लास मोमेंट अपने सुबह के 4:30 बजे शुरू होता था जब शूटिंग पैकअप होता था एंड वी वुड हम लोग जाते थे होटल और फोन पे हम लोग 4:30 बजे तो पैकअप नहीं होता था, मतलब 4:30 बजे हम लोग ऑर्डर कर लेते थे नत्थू के सेट पे, तो होता नत्थू कह रहा पे होता अपना. हां, हम लोग रोज पैकअप के बाद हम लोग फ्राइड अंडा, सॉसेजेस, ब्रेड बटर, कोको पॉप्स खाते थे, साथ में खाते थे. आदि इधर बैठते थे, मैं इधर, साथ में खाते थे और फिर निकलते थे. तो हम लोग ने ब्रेकफास्ट बहुत किया साथ, बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा किया. हाँ, फिल्म आई डोंट आई थिंक रिलीज होना वो एक अलग प्रोसेस होता है. एक फिल्म आ रही है पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर, बट इलेक्शन कमीशन हैज लाइक पुट अ होल्ड ऑन दैट फिल्म टिल द टाइम इलेक्शन इज आउट. एज अ बॉलीवुड फ्रेटर्निटी, व्हाट डू यू गाइस हैव टू से? आई थिंक एज फार एज वैन थिंग्स इन्वॉल्व द इलेक्शन कमीशन, एंड क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, वी हैव टू रिस्पेक्ट दीज प्रोसेस एंड वील लेट इट बी. इफ ऑब्वियसली इट्स पार्ट ऑफ आर फ्रेटर्निटी, अगर फ्रेटर्निटी के साथ इफ एनी ऑफ अस गेट अ कॉल, इफ यू नीड टू हेल्प आउट, वी विल ऑब्वियसली. बट वी ऑल हैव टू रिस्पेक्ट द ज्यूरिसडिक्शन एंड द लॉ.
So I think whatever the law decides has to work. Actually, it feels very surreal that already the second part is there and we are really excited to see the trailer. I think Tiger is superb. Ananya and Tara are coming in this film. And I think me, Alia and Sid, I think equally proud and happy. Kabhi aisa maine kabhi socha nahi tha ki main ek film karunga aur uska sequel banega. Itna jaldi wo bhi. It feels like bahut jaldi. Actually 6 saal ho gaye but it feels like very soon. Kyunki hame abhi tak log student bulate hain to shayad iske baad wo nahi mujhe lagta hai wo kabhi jayega nahi. But you never know. In 3 we might go back to school. Thank you guys. Guys, wait, one second. Yeah. Will you do a campaign? I'm very happy I've answered this question before. Thank you. They want you to fight. Thank you.